हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैक्सोनॉमी एंड एंजियोस्पर्म टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखेंगे हम इसमें हिस्टोरी ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे इसमें सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखेंगे हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम तीन श्रेणी देखेंगे इसमें तीन पर। इसमें पहला देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा देखेंगे नेचुरल सिस्टम, फिर थर्ड देखेंगे हम फाइलोजेनिक सिस्टम। इन टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद हम इसमें देखेंगे रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आधुनिक पद्धतियाँ को। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट्स अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी इन इंडिया, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें जनरल इंट्रोडक्शन और टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म का सामान्य परिचय। जनरली हम देखते हैं टैक्सोनॉमी शब्द दो ग्रीक शब्द है जो टैक्सिस और टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्थीकरण तथा नोमोस मतलब होता है कानून से मिलकर बना होता है, जिसका तात्पर्य पौधों का निश्चित नियमों के अंतर्गत व्यवस्थित होना, जिससे उनका अध्ययन सरलता से कर सकते हैं। यह वर्गीकरण का थ्योरी तथा प्रैक्टिकल है। टैक्सोनॉमी शब्द को APD कैंडोली ने दिया था, जिसके अंतर्गत पौधों का वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण को पौधों को उनकी समानताओं विषमताओं के आधार पर सूचीबद्ध किया है, जिसके अनुसार पौधों का नामकरण, पहचान, क्लासिफिकेशन आदि घटक जो सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं जोसन एंड लू चिंगार ने 1987 के अनुसार क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक बॉटनी पौधों की विभिन्नताएं, उनका नामकरण, विकास तथा पहचान आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों का सिर्फ वर्गीकरण ही सम्मिलित किया गया है, लेकिन दोनों विज्ञानों का पृथक्करण करना असंभव है। इस कारण सभी वैज्ञानिकों ने इनका प्रयोग पौधों के वर्गीकरण के में समान रूप से किया है। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक हिस्टोरी ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण का इतिहास क्या रहा है। तो बहुत पुराने समय से ही मनुष्य जो है पौधों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति तथा उपयोगिता के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट की प्रगति के साथ ही उनका वर्गीकरण पौधों की प्राकृतिक लक्षणों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे बीज पत्रों की संख्या, एक बीज पत्री एवं द्विबीज पत्री प्रकृति, ट्री, हर्ब, शर्ब, पुष्प संरचना, पॉलीपेटल, गेमोपेटल आदि के आधार पर किया गया। माइक्रोस्कोप के
आविष्कार के बाद ही पौधों की जो एनाटॉमिकल फीचर को भी सम्मिलित किया गया। सन 1859 में डार्विन के थ्योरी का इवोल्यूशन के अनुसार वर्गीकरण को जातिवृत्ति पद्धतियों को स्थान दिया गया। मेंटल के नियमों की खोज के बाद पौधों की जो अनुवांशिक समानताएं कोशिका अनुवांशिक तथा समष्टि सांख्यिकी को वर्गीकरण का आधार माना गया। पौधे के अन्य लक्षण जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, केमिकल टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स को भी वर्गीकी में सम्मिलित किया गया। वर्गीकरण बड़ी तेज़ी से डेवलप होते गए। हेबुंड 1967 में वर्गीकरण क्रांति का विस्फोटक की संज्ञा दी। ईसवी युग में पारासर द्वारा लिखित ग्रंथ लिखा गया ग्रंथ वृक्षायुर्वेद पौधों के वैज्ञानिक विवेचन का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, जिसमें देखा गया कि पौधों का क्लासिफिकेशन तुलनात्मक आकारिकी के आधार पर किया गया, जो उस समय तक दी गई थी। वर्गीकरण पद्धतियों से इस ग्रंथ के अनेक कुलों का विस्तृत वर्णन किया गया। कुलों तथा वंशों का नाम से संबंधित अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया गया। गेमोपेटल्स, लेग्यूम्स, शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया गया। कुल, गण तथा में भी इन्हें अलग अलग बताया गया। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन करेंगे जिस पर हम, वो है वर्गीकरण की पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत हम तीन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। पहला है आर्टिफिशियल, सेकंड है नेचुरल और थर्ड है हमारा फाइलोजेनिक सिस्टम। फर्स्ट देखेंगे हम आर्टिफिशियल को। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम पद्धतियाँ। पौधे के एक या कुछ लक्षणों को चुनाव करके उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण इसके अंतर्गत किया गया था। इस पद्धति में आनुवांशिक लक्षणों के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिली। थियोफ्रास्टस, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, पौधों को उनकी प्रकृति के आधार पर चार मुख्य समूहों में बांटा गया। हर्ब, शर्ब, अंडर शर्ब एंड ट्री। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्लांट्स को नाम तथा वितरण दिया। यह सबसे प्राचीन बृहद वनस्पति कार्य है जिसमें पौधों के नाम आज भी प्रयोग में किए जाते हैं। उन्होंने द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री में मूल विभिन्नता का उल्लेख किया। पौधों के सिर्फ दो समूह
उडली और हर्बेसियस कास्टी और साकी में विभाजित किया गया। उन्होंने फल बीज तथा भ्रूण के लक्षणों को भी वर्गीकृत में सम्मिलित किया। अब सेकंड देखेंगे हम नेचुरल सिस्टम को, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इस पद्धति में पौधों के सभी महत्वपूर्ण लक्षणों को सामने में रखा गया। वर्गीकरण के समय एंटोनी डी ज्यूसियू 1758 ने अपनी क्लासिफिकेशन को जेनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में दिया। उन्होंने पौधों को पुंकेसरों व अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया। फर्स्ट देखे इसमें अकोडिनटेलेटेनेसस, सेकेंड है इसमें मोनोकोडिनलेंटस, थर्ड है डाइकोटिनलेंटस। उन्होंने बीज पत्रों की संख्या, दल उपस्थिति या अनुपस्थिति, दल एवं पुंकेसरों की स्थिति के आधार पर पौधों को पंद्रह वर्गों में बांटा। डी कैंडेलो ने वर्गीकरण को अपनी पुस्तक जिसमें प्राकृतिक लक्षणों को केंद्र मानकर क्लासिफिकेशन किया, इसमें वेस्कुलर बंडल तथा बीज पत्रों की उपस्थिति के आधार पर डाइकोटिलीडन प्लांट्स को वेस्कुलेरिस और सेलुलेरिस समूह में विभाजित किया। बेंथम तथा हुकर ने अपना वर्गीकरण जेनेरा प्लांटेरम 1883 में पुस्तक में दिया। उन्होंने निश्चित गुणों के आधार पर ही पौधों का क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बीज युक्त पौधों को डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स पौधों में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त दल पुंजों की संयुक्तता, जायांग के प्रकार, पुष्प क्रम आदि को भी वर्गीकरण में निश्चित स्थान दिया। इस विधि के द्वारा पौधों की पहचान करना सुविधाजनक रहा। यही कारण है कि आज भी विश्व के अनेक हर्बेरियम में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड थर्ड हम देखेंगे इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। इस पद्धति के अंतर्गत पौधों का जो उद्विकासी तथा अनुवांशिक शब्दों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, परंतु देखा गया कि जो जिम्नोस्पर्म का जीवाश्मीकरण स्पष्ट तौर से नहीं हुआ इसमें, इसलिए केवल उद्विकास की आधार पर वर्गीकरण करना कठिन था। इसलिए वर्तमान में पौधों का वर्गीकरण आंशिक प्रकृति तथा आंशिक उद्विकासी आधार पर किया गया। तख्तताज 1918 के एंग्लर प्लांटर हचिंसन आदि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पौधों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इनमें पौधों को उनके प्रिमिटिव और एडवांस लक्षणों के आधार पर विभेदित किया गया। बेसी 1915 ने अपनी पुस्तक में एनल्स ऑफ म्यूसूरी बोटनिकल गार्डन तथा इसी प्रकार वर्गीकरण का अध्ययन, हचिंसन ने अपनी वर्गीकरण दी फैमिलीज वर्गीकरण दी फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नामक पुस्तक में दिया। यह वर्गीकरण करीब 24 सिद्धांतों के आधार पर आधारित था। अधिकतर पौधों का आकार की लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें रिसेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें देखेंगे तख्तताज 1980 ने पौधों का वर्गीकरण उनकी ग्रोथ हैबिट वुडी एनाटॉमी स्ट्रोमेटा टाइप्स इनफ्लोरेसेंस गाइनोसियम बीज तथा फलों के तुलनात्मक प्रकट लक्षणों एडवांस करेक्टर के आधार पर किया। उन्होंने पौधों को मैग्नोलियोप्सिडा तथा लिलियोप्सिडा लक्षणों के दो वर्गों में विभाजित किया। डाइकोटिलीडन तथा मोनोकोटिलीडन पौधे के समकक्ष हैं। उन्होंने 7 सब क्लासेस और 20 सुपर आर्डर में लिलियोप्सिडा को 3 उप वर्गों में और 8 सुपर आर्डर में बांटा। उनके अनुसार जो पुष्पी पौधे थे उनमें मैग्नोलियल्स सबसे आद्य समूह हैं। शेष सभी एंजियोस्पर्म की व्युत्पत्ति हुई है। मोनोकोटिलीडन्स एलिसमेंटल्स सबसे आदि समूह है। द्विबीजपत्री में एस्ट्रेल्स तथा एक बीजपत्री में एरेल्स सबसे उन्नत समूह है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट्स अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी। तो इसमें देखते हैं कि इन्हें 4 फेजेस में बांटा गया है। फर्स्ट देखेंगे हम अन्वेषण या अथवा इसको कहते हैं अनुसंधान प्रावस्था या वर्गीकरण का प्रथम अवस्था थी, जो प्रमुख रूप से पादप की खोज संग्रहण और आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन एंड पहचान तथा हर्बेरिया के निर्माण से संबंधित है। इसके बाद सेकेंड देखेंगे एकीकरण प्रावस्था। इस पद्धति के अंतर्गत स्पेसिमेन के आकार की मॉर्फोलॉजिकल गुणों तथा वनस्पति संग्रह पर पुस्तकों को लिखा गया। पादपी प्लांट के नाम विवरण तथा संबंधित विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। ज्ञात हुई स्पीशीज की वृद्धि होने वाले वंश एवं अन्य टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की सीमा का पुनः निर्धारण इस अवस्था के अंतर्गत किया गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे जैव वर्ग की प्रावस्था। इस अवस्था में सूक्ष्म विकास एवं विभिन्नताओं से होती हुई भौगोलिकी एवं पारिस्थितिकी विविधताओं की व्याख्या इसके अंतर्गत किया गया। कोशिकीय आधारों पर भी इसमें गुणसूत्रों की आकार की उनके संख्या और उनका जो प्रकृति एवं अवरोधक प्रतिरोपण गुणों का भी इसमें जीनी संरचना का द्वारा भी इनका नियंत्रण हेतु समायोजन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे विश्व ज्ञान कोष संबंधी प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य था पादपों का लेवल और टैक्सोनॉमिक विकासी अध्ययन स्पष्ट करना। इनमें 3 अवस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं को जोड़ना फाइव देखेंगे अल्फा वर्ग की
अल्फा वर्गीकरण के अंतर्गत उन सभी वर्गीकरण को सम्मिलित किया गया जो आकार की आधारी इसके अंतर्गत अध्ययन किया गया। वर्गीकी के विकास के लिए आवृत बीजों को निम्नलिखित लाक्षणिक विशेषताओं को अपनाया गया, जिसमें देखेंगे पहला देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है इसका हैबिट। तो वितरण में देखेंगे कि आवृत बीजी प्लांट समूह वितरण में विश्वव्यापी होते हैं। यह गहरी झीलों, मरुस्थल, समुद्र तल तथा ऊंचे पर्वत की चोटियों में जैसे विषम परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स में नागफनी, कैक्टस इसके सदस्य मरुस्थल में उगते हैं जो शुष्कता के लिए अनुकूलित होते हैं। दूसरी ओर कुछ निमग्न जलोद्भिद जैसे कि हाइड्रिला शुष्कन के लिए संवेदनशील होते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले प्लांट्स तटीय प्रदेशों में खारे जल में उगने वाले प्लांट्स उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले प्लांट्स स्तंभ एवं शाखाओं को आच्छादित किए रहते हैं। अब देखेंगे उनके हैबिट को स्वभाव। तो आवृत बीजी पौधे का स्वभाव जो अनावृत बीजी पौधों से अलग होता है, इनमें विविधता प्रदर्शित होती है दोनों में। आवृत बीजी जी प्रायः जो वृक्ष जो है वृक्ष झाड़ियों या अथवा एक वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय शाख होते हैं या सीधे अथवा आरोही होते हैं। इनके आकार में भी विविधता पाई जाती है, जैसे कि उल्फिया की जाति वर्षा ऋतु में ठहरे हुए जल में पाई जाती है जो आकार में बहुत छोटी होती है तथा इनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। कोनीफर्स जो पैरासाइट होते हैं इसके विपरीत यूकेलिप्स के वृक्ष 250 फीट ऊंचे तथा 25 फीट तक मोटे होते हैं। भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर कोलकाता के बरगद फाइकस बैग्नोलिन्स के वृक्ष लगभग 300 स्तंभ स्टेम हैं, जिसमें मुख्य स्तंभ का व्यास 13 फीट तथा ऊंचाई 70 फीट है। यह वृक्ष बहुत अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसकी छाया में हजारों यात्री विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ओमेगा वर्गीकी में, इसमें लक्षणों एवं पादपों को विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है। ओमेगा वर्गीकी एक आदर्श मानी जाती है। यह विकास तथा विश्व ज्ञान कोष के अनुरूप है, इसे टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल गुणों के वर्गीकरण के आधार पर यह माना गया है। पादपों में जाति वृत्ति को प्रदर्शित किया गया है इसके अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे बीटा टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण के लिए केवल आकार की लक्षणों को ही आधार बनाया गया है, बल्कि आधार की भ्रूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकता एवं कार्यकी के लक्षणों को भी समावेश इसमें किया गया है। अब देखेंगे हम
प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी इन इंडिया, इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो देखेंगे इसमें जो वृक्षायुर्वेद है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें पौधों का पहली बार वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया गया था। इस ग्रंथ के में पौधे का वर्गीकरण तुलनात्मक आकार की के आधार पर किया गया। चरक संहिता तथा में पौधों का विस्तृत वर्णन किया गया तथा विभिन्न उपयोगों के बारे में भी काफ़ी वर्णन किया गया। पुर्तगालीन वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय पौधों को भी मुख्यतः विभिन्न औषधियां प्रदान करते थे का भी विस्तृत वर्णन किया गया। पुर्तगालियों द्वारा कई पौधों को भारतवर्ष में उगाने का श्रेय दिया गया, जैसे कि गुआवा, चिली आदि। डच वैज्ञानिक रिडी 1617 ने मालाबार में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया। इस ग्रंथ में पौधों को फोटो भी दी गई, इनका वर्णन एवं उपयोग भी बताया गया। रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना कोलकाता में, जिसे भारतवर्ष के पौधों का नामकरण, वर्णन, उपयोगिता तथा वर्गीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19वीं-20वीं शताब्दी में भारतवर्ष में उल्लेखनीय कार्य किया हुआ। इस पर सन 1848 में वैज्ञानिक हुकर ने फ्लोरा ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके अंतर्गत अनेक प्रदेश स्तर में पौधों का वर्णन किया गया एवं सेंट्रल इंडिया फर्न ऑफ दी साउथ इंडिया, फर्न ऑफ ब्रिटिश इंडिया दी फ्लोरा ऑफ दी प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, चेन्नई फ्लोरा ऑफ द आसाम, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एवं फ्लोरा ऑफ द अपर गैंगेटिक प्लांट आदि ग्रंथों का समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी इसमें चर्चा की। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा विभिन्न बॉटनिकल प्लांट्स हैं, जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेशनल बॉटनिकल गार्डन स्थापित की गई। नेक्स्ट देखेंगे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1819 में किंग जॉर्ज प्रमुख प्रकाशित किया। रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन द्वारा दी गई, जिसे का मुख्य कार्य भारतीय पौधों का अध्ययन, मुख्यतः उनके लक्षण, वर्गीकरण, स्थिति का ज्ञात करना और इसका मुख्यालय कोलकाता में इसी रखा गया। आवश्यकता अनुसार इन्हें क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, पुणे तथा में खोले गए हैं। अध्ययन किए गए पौधों का विवरण द रिकॉर्ड्स ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दिया जाने लगा है। 1952 में इसकी मुख्य शाखा इलाहाबाद में सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी के नाम से शुरू हुआ है।
जिसमें जानकी अम्बल को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर रखा गया है। इसके चार क्षेत्रीय सर्किल देहरादून, कोयम्बटूर, शिलोंग तथा पुणे में खोले गए सन 1972 में। इनमें दो नए सर्किल अंडमान निकोबार सर्किल तथा एरिड जोन सर्किल जोड़े गए। 1977 में अरुणाचल प्रदेश सर्किल ईटानगर में खोला गया। इसके जो संग्रहालय में करीब 2 लाख पौधे हर्बेरियम के रूप में सुरक्षित है। इसकी स्थापना से भारतीय पौधों के अध्ययन में एक नया आयाम जुड़ा।